बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सद्गुरु महाराज की। श्री इंद्रावती लागे पाए, सुनो प्यारे साथ जी, तुम चेतो इन अवसर आयो है हाथ जी, आयो है हाथ जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, प्रकाश हिंदुस्तानी के इस दूसरे प्रकरण के माध्यम से श्री इंद्रावती जी हम सभी ब्रह्म सृष्टियों को, हम सभी ब्रह्म मुनियों को सावधान करा रहे हैं, सावचेत करा रहे हैं कि एक ऐसा अवसर आपको मिला है। प्रथम प्रकरण की अंतिम चौपाई में हमने सुना कि तुम चेतो इन अवसर आयो है हाथ जी। हमारे हाथ में एक अवसर आया है, मौका आया है। कौन सा मौका, कैसा मौका, कैसा अवसर, तो आगे कहते हैं, जिससे ये बात स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने कहा, आप डारिया ज्यों पहले फेरे, भी डारियो निसंक फेर जी। अवसर किसके लिए, ऐसा प्रश्न हमारे मन में हो रहा था। तो इंद्रावती जी ने कहा, आप डारिया ज्यों पहले फेरे। डारने का मतलब डाल देना, छोड़ देना, समर्पित कर देना अथवा त्याग देना। पहले फेरे का मतलब है कि जब हम ब्रज में आए थे, ब्रज पहला फेरा है, तो ब्रज में हमने जिस तरह से त्याग किया था, जिस तरह से हमने छोड़ा था किसको, माया को, भी डारियो निसंक फेर जी। फेर अर्थात दोबारा, अब भी पुनः इस जागनी के ब्रह्मांड में भी निसंक अर्थात शंका से रहित हो करके, बेशक हो करके, क्योंकि समर्पण उसी के प्रति किया जा सकता है जिसके प्रति विश्वास हो। अगर किसी के प्रति विश्वास नहीं है तो समर्पण हम कैसे कर सकते हैं? और जब तक समर्पण नहीं कर सकते तब तक परमात्मा की प्राप्ति की कल्पना करना अथवा इच्छा करना व्यर्थ है। योग दर्शन के दर्शनकार पतंजलि मुनि कहते हैं, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। समाधि की प्राप्ति ईश्वर के प्रति समर्पित होने से, अर्थात परमात्मा के प्रति समर्पित होने से ही हो सकती है। तो इंद्रावती जी कह रहे हैं, आप डारिया ज्यों पहले फेरे। ज्यों का मतलब है जिस तरह से, और जिस तरह से जहां भी शब्द आता है, ज्यों शब्द आता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये उदाहरण दिया गया है। उदाहरण किसका दिया गया? पहले फेरे का, ब्रज का, कि ब्रज में गोपियों ने, गोपियों का मतलब हम ब्रह्म सृष्टियों ने, क्योंकि उन गोपियों के तन में तो हम ही ब्रह्म सृष्टियां थी। वाणी कहती है, हम ही थे ब्रजरास में, हम ही आए इत। तो इस जागनी के ब्रह्मांड में भी वही ब्रह्म सृष्टियां आई हैं जिन्होंने ब्रज के अंदर गोपियों के तनों में बैठ करके लीला की थी। और जब उस समय की गोपियां त्याग कर सकती हैं, वो माया को छोड़ सकती हैं, जो कि जिनके पास किसी भी तरह का ज्ञान भी नहीं था, राज्य की पहचान भी नहीं थी, वाणी स्पष्ट रूप में कहती है, ब्रज लीला लीला रास माहे हम खेले जान के जार। जागनी लीला जाग पहचान, खेले जान के संग करतार। जागनी की इस लीला में, जागनी के इस ब्रह्मांड में तो हमें वाणी की द्वारा परमात्मा की राज्य की पहचान मिली है, और न सिर्फ राज्य की पहचान मिली है बल्कि उनके साथ हमारा संबंध क्या है उसकी पहचान है। एक ब्रह्म सृष्टि का दूसरे ब्रह्म सृष्टि के साथ में क्या संबंध है उसकी पहचान है। तो जब इतना ज्ञान है,
अज्ञानता में, अनजाने में ही गोपियों ने जब इतना बड़ा त्याग किया, समर्पण किया, अभी तो हमें हमारे पास राज्य की पहचान है, राज्य की पहचान कराने वाली ये वाणी है, उनको तो कहने वाला भी कोई नहीं था। गोपियों ने समर्पण करना है हमें ऐसा कह करके अथवा सोच करके समर्पण नहीं किया था। जो भी समर्पण करता है वो सोच करके नहीं करता है, क्योंकि प्रेम अथवा समर्पण बुद्धि का खेल नहीं है, बुद्धि की वस्तु नहीं है। बुद्धि का जो विषय है वो तो विचार करना है, और समर्पण अथवा प्रेम विचार करके नहीं किया जाता है, बस हो जाता है। अब यहाँ पर तो होने की बात, प्रेम होने की बात, समर्पण होने की बात तो बहुत दूर की है। पहचान कराने के बावजूद भी और ये बताने के बावजूद भी कि हमें राज्य के प्रति समर्पित होना है, आज 400 वर्ष हो गए वाणी को अवतरित हुए, लेकिन ब्रह्म सृष्टियों की जो रहनी है वो समर्पण से कोसों दूर दिखाई पड़ रही है। आज इस संसार में जिनको हम जीव सृष्टि कहते हैं, स्वामी जी भी कई बार ये बात कहा करते हैं कि बहुत सारे सुंदर साथ ऐसा प्रश्न किया करते हैं कि स्वामी जी की चर्चा में अथवा जितने भी प्रवक्ता वाणी की चर्चा करते हैं वो सिर्फ राज्य की बातें क्यों नहीं करते। गौतम बुद्ध का उदाहरण लेते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का उदाहरण लेते हैं, इन सब लोगों का उदाहरण लेने की ज़रूरत क्यों है? उदाहरण लेने का मतलब ऐसा नहीं कि हम उनको उनकी भक्ति कर रहे हैं। उदाहरण लेने का मतलब ये है कि हमें उनके उदाहरणों से सीखना है। जैसे वाणी में भी तो शशि पुनः का उदाहरण दिया है, हीर राजा का, सोनी महिवाल इत्यादि आशिकों का उदाहरण दिया है। नाम स्पष्ट रूप में शशि पुनः का लिया गया है, लेकिन किरंदन की वाणी ये तो कहती है कि आगू आशिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन्न, कोट बेर मासुक पर उड़ाए देवे अपना तन, उनका उदाहरण दिया जाता है। वाणी कहती है, वाणी में उन सभी तपस्वियों का नाम लिया गया है उदाहरण के लिए, और वाणी कहती है प्रहलाद युधिष्ठिर वसुदेव बलि रुक्मांगद हरिश्चंद्र सगाल दधीची मोरध्वज कसनी कर छूटे याफन, तो ऐसे लोगों का उदाहरण दिया गया है। उदाहरण देना किसी का भी उसमें कोई बुराई नहीं है, हमें उन उदाहरणों से सीखना चाहिए और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले सुंदर साथ के लिए स्वयं भी उदाहरण बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में उदाहरणों की कमी है, लेकिन सामान्य सी बात है कि जिनके अंदर सामान्य, जिनको हम सामान्य जीव कहते हैं, जिन जिन महापुरुषों का नाम लिया जाता है उनको हम जीव सृष्टि कह करके उनका अपमान करते हैं, हैं तो वो जीव सृष्टि, लेकिन उनकी रहनी तो हम जिन्हें ब्रह्म सृष्टि कहते हैं या स्वयं कहलाते हैं उनसे श्रेष्ठ है। जब हम उनकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, जब हम जीव सृष्टि कहे जाने वाले गौतम बुद्ध की रहनी की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं और अन्य महापुरुषों की, स्वामी दयानंद सरस्वती की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, कुमारिल भट्ट जैसा समर्पण जब हम में नहीं है, तो फिर ब्रह्म मुनियों की रहनी की बराबरी हम कैसे कर सकते हैं? पहले हम एक सीढ़ी चढ़ेंगे, दो सीढ़ी चढ़ेंगे, तभी तो छत पर पहुंचेंगे। हम सीधे परमहंसों का अगर उदाहरण ले लेते हैं, लेना कोई बुराई नहीं है, लेकिन परमहंसों का नाम लेकर के अगर हम उनका उदाहरण लेते भी हैं तो उनसे हमें अगर सीखने को मिल रहा है, अगर हम वास्तव में सीख रहे हैं, उनकी जैसी रहनी को अपना रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो जो भी सुंदर साथ या जो भी ब्रह्म मुनि परमहंसों की रहनी को उदाहरणीय मान करके उनका अनुसरण अनुकरण करते हैं, वो तो कभी ये ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाते कि फलाने व्यक्ति का उदाहरण क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि परमहंसों की रहनी ऐसी नहीं होती है किसी को नीचा दिखलाने वाली। तो इन सब उदाहरणों को लेकर के हमें सीखना चाहिए। वर्तमान में आज जो प्रसंग चल रहा है, आज जो प्रकरण लिया गया है, इसमें ब्रज का उदाहरण लिया गया है, ब्रज की गोपियों का उदाहरण लिया गया है, और इंद्रावती जी इस चौपाई में कह रहे हैं आप डारिया ज्यों पहले फेरे। अब देखते हैं थोड़ी देर के लिए उन उदाहरणों को, ब्रज के उदाहरणों को, और ब्रज के उदाहरण की चर्चा पहली बार नहीं हो रही है, इससे पहले भी अनेकों चर्चाओं के माध्यम से हमने ब्रज की लीलाओं को और उन उदाहरणों को सुना है। किरंतन में भी कई ऐसे प्रकरण आते हैं,
कलश के अंदर भी ब्रज की लीला का वर्णन आता है, प्रकाश के अंदर भी ब्रज की लीला को याद कराया गया है। बीतक की जब हम चर्चा सुनते हैं तब भी, हम त्रिधा लीला का जब वर्णन करते हैं तब भी ब्रज लीला का वर्णन करते हैं। तो कोई भी ऐसा अवसर नहीं जाता जब हम ब्रज की लीलाओं को ना सुने। भागवत की लीलाओं के माध्यम से सुनते हैं, वाणी की चर्चा के माध्यम से सुनते हैं, लेकिन सुनने का क्या लाभ। भूतकाल की चर्चा क्यों की जाती है, भूतकाल की बात क्यों की जाती है, उसका कारण यह है कि भूतकाल की घटनाओं से शिक्षा लेकर के हम अपने वर्तमान में परिवर्तन करें, हम अपने वर्तमान में सुधार करें, ताकि हमारा भविष्य सही हो। हमारा भविष्य का मतलब है जागनी, आत्म जागृति, क्योंकि आत्म जागृति अभी हमारा वर्तमान नहीं हो पाया है। तो भूतकाल की उदाहरणों से शिक्षा लेकर के वर्तमान को सुधारना, इसलिए ब्रजलीला का गायन किया जाता है। अगर बीतक के अंदर निजानंद संप्रदाय की पद्धति में शास्त्र श्रवण श्री भागवत कहा है, तो उसका भी कारण यही है कि भागवत की लीलाओं से हमें ब्रज की लीलाओं को समझना चाहिए, ब्रज की घटनाओं को समझना चाहिए, और ब्रज में किस तरह से गोपियों का सारा ध्यान कृष्ण जी के प्रति था, उसी तरह से जागनी की लीला में भी हमें मूल स्वरूप का उसी तरह से ध्यान करना चाहिए, वाणी का उसी तरह से पाठ करना चाहिए, अथवा वाणी का चिंतन मनन करना चाहिए, सेवा में भी हमारा ध्यान वैसा ही होना चाहिए। इसलिए ब्रज का उदाहरण दिया जाता है। तो इंद्रावती जी ने जब इस चौपाई में कहा कि आप डारिया ज्यों पहले फेरे, तो हमें तुरंत ब्रज की लीलाओं में अपनी सुरता को पहुँचाना होगा। और ब्रज की लीला में जब हम अपनी सुरता को पहुंचाते हैं तो हमें वहां पर दिखाई पड़ता है कि ब्रज में आज के समय से, वर्तमान समय से कल्पना कर लीजिए कि 20 गुना अधिक कार्य रहता था। कैसे? और इस चर्चा को मैं, इस विषय को मैं बार बार वर्णित कर चुका हूं पहले की चर्चा में भी, शायद जिन्होंने चर्चा सुनी होगी प्रत्यक्ष अथवा यूट्यूब के माध्यम से, ये बात मैं बार बार दोहराता हूँ कि ब्रज में आज अगर 4 या 5 लोगों का परिवार है तो ब्रज में संयुक्त परिवार हुआ करता था, आज के युग में जिनको जॉइंट फैमिली कहते हैं। और संयुक्त परिवार में 15-15 लोगों का परिवार होता था, 15-15 सदस्य होते थे, उससे भी अधिक। आज जो हमें अगर खाना बनाना होता है बहुत आसान है, प्रत्येक घर में गैस सिलेंडर उपलब्ध है, बना बनाया आटा मिल जाता है, हम उसको बनाते हैं, और उसको बनाते हुए भी हम कहते हैं कि घर का कितना सारा काम है। चलिए मान लेते हैं आज के हिसाब से काम है वो, लेकिन जब हम अगर ब्रज के हिसाब से आज की तुलना करें तो आज कुछ भी काम नहीं है, बिल्कुल आराम ही आराम है। क्योंकि तब तो भोजन बनाने के लिए भी अनाज खुद चक्की में पीसना होता था, उसके बाद अगर भोजन बनाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, पीने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो पानी लेने के लिए भी नदी तक पहुंचना होता था। घड़े में पानी भर करके घर तक लेकर आते थे, और सबके लिए, जानवरों को पिलाने के लिए, 15-20 लोगों के परिवार के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने, बर्तन धोने के लिए। तो सोचिए, हम तो सिर्फ पानी भरने का काम भी अगर हमें दिया जाए ब्रज के हिसाब से कम 1 किलोमीटर तो प्रत्येक व्यक्ति चलता ही होगा कम से कम, और इतने दूर से घड़े में अगर पानी लाने के लिए बोल दिया जाए कि 15 लोगों के परिवार के लिए पीने का, नहाने का, और कपड़े इत्यादि धोने का, बर्तन इत्यादि धोने का पानी लेकर के आना है, इतनी व्यवस्था करनी है, हमसे सिर्फ इतना भी काम नहीं हो सकता, इतना सब कल्पना कर सकते हैं। उसके बाद 15 लोगों के लिए प्रतिदिन चक्की पीसना, हम उतना भी नहीं कर पाएंगे। ब्रज के हिसाब से एक भी जिम्मेदारी हम नहीं उठा सकते, लौकिक जिम्मेदारी। उसके बाद घर में दर्जनों गायें होती थी, दर्जनों गायों का दूध निकालना, उसके बाद उनको गर्म करना, फिर दही जमाना, फिर उसमें से मथना, मंथन करना, मक्खन निकालना, मक्खन को बेचने के लिए फिर बाजार तक पहुंचाना, और बाजार पहुंचने में भी 10-12 किलोमीटर तो लगभग चलना ही पड़ता होगा, वो भी सिर पर घड़ा लेकर के, सिर पर मटका लेकर के जिसमें मक्खन डाला हुआ है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी
सभी गोपियां कृष्ण जी से मिलने के लिए समय निकाल लेती थी। उन्होंने उनको ये पता नहीं था कि कृष्ण जी के साथ हमारा संबंध कौन सा है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना संबंध निभाया। आज देखें तो अभी तो सबको कारण पता है कि इस कारण से सभी सुंदर साथ घर में बंद है, और इतना होने के बाद भी हंसी आती है, सामान्य बात है, सुनकर के कठोर लग सकता है। ज्ञानपीठ के यूट्यूब चैनल में अभी लगभग लगभग 12,000 सुंदर साथ जुड़े हुए हैं, 12,000 लोग जुड़े हुए हैं, और लगभग लगभग सभी सुंदर साथ, क्योंकि लगभग कहने की भी बात नहीं है, सामान्य सी बात है, आज लगभग पिछले 10 दिन से कम 10 दिन से सभी सुंदर साथ घरों में ही हैं, सब घर में बैठे हुए हैं और उनके पास समय भी होता है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सी ऐसी चर्चाएं होती है जिनको 2,000-3,000 लोग ही देखते हैं, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें 5,000-6,000 लोग जिनको देख लेते हैं, लेकिन सोचिए कि 12,000 लोग जुड़े हुए हैं, 12,000 से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं, और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो भी वीडियो देखते हैं, उनका भी व्यू आता है इसमें। लेकिन इसके बावजूद भी सुंदर साथ घर में बैठा हुआ है, घर में बैठने के बावजूद भी उन चर्चाओं को अगर नहीं सुन पा रहा है तो फिर सुंदर साथ का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। समय मिलने के बावजूद भी, पहले तो ये बहाना रहा करता था कि हमें स्कूल जाना होता है पढ़ने के लिए अथवा पढ़ाने के लिए, हमें जॉब पे जाना होता है, हमें काम करना होता है, हमसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं तो हमें समय नहीं मिल पाता है चितवनी करने का, हमें समय नहीं मिल पाता है वाणी पढ़ने का, चर्चा सुनने का। पहले तो सबसे पहले बहाना रहता था कार्यक्रमों में नहीं आ पाते हैं, चलिए उसके लिए भी सुविधा हो गई कि आज संचार के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से घर में बैठे बैठे चर्चा सुन सकते हैं। और इसके बावजूद भी पक्का पकाया भोजन भी हमें हमारे थाली में परोसा गया है, लेकिन हम उसको खा नहीं रहे। क्यों? क्योंकि भोजन कितना भी स्वादिष्ट हो, सामने पड़ा हुआ हो, लेकिन अगर अंदर भूख नहीं है तो उस भोजन का कोई मतलब ही नहीं, उस भोजन का कोई महत्व ही नहीं है। इस ब्रह्मज्ञान की महिमा, इस ब्रह्मवाणी की महिमा उनसे पूछिए जो पत्थरों में अभी भी माथा पटक रहे हैं, इसकी महिमा उनसे पूछिए जिनके लिए वाणी कहती है कि कोई हेम गले अग्नि जले, भैरव करवत ले, खसम को पावे नहीं जो तिल तिल कटावे देह, किन एक बूंद न पाइया रसना भी वचन, ब्रह्मांड धनियो देखिया जो कहावे त्रैगुण। ब्रह्मांड के मालिक कहलाने वाले त्रैगुण के पास भी, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। कोई बर्फ में अपने शरीर को गला रहा है, कोई आग में जला रहा है, कोई भैरव पर्वत को प्रसन्न करने के लिए ऊपर से कूद रहा है कि हमें मुक्ति मिल जाए, हमें परमात्मा का ज्ञान मिल जाए, उसकी पहचान मिल जाए, लेकिन हम सब सुंदर साथ जिनको ये सरलता से उपलब्ध हुई है उन्हें ब्रह्मवाणी की कीमत का पता ही नहीं है। जबरदस्ती ऐसा लग रहा है कि खाने को दिया जा रहा है और उनको इसमें पहली बात तो भूख भी नहीं है, जबरदस्ती मुंह में डालेंगे अगर ये भोजन तो स्वाद नहीं आएगा, इसलिए नकार देंगे। तभी तो आज से 2-3 दिन पहले भी जो चर्चा डाली गई है उसमें, उसको भी 2-3 हज़ार लोगों ने भी नहीं देखा, जबकि सबको पता है कि अभी सबके पास समय है। पहले बहाना हुआ करता था समय न होने का, आज इंद्रावती जी कह रही हैं जब ये चौपाई खुली थी, चौपाई में जब कहा कि हाथ आयो अवसर जी, तो मेरे मन में विचार आया कि ये जागनी ब्रह्मांड की सभी ब्रह्म सृष्टियों के लिए तो कहा ही गया है और आज के संदर्भ में भी पूर्णतः उपयुक्त है चौपाई, कि आज संकट तो है एक तरफ लेकिन साथ में अवसर मिला है हमें। और पहले भी मैंने ये बात कही कि संकट को अवसर में किस तरह से बदलना चाहिए, ये बात इससे पहले के वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ। तो ये जो अवसर मिला है जिसको इंद्रावती जी कह रहे हैं हाथ आयो अवसर जी, ब्रज में तो हमने अपना समर्पण किया, ब्रज के अंदर भी किया और ब्रज से रास में जाते हुए भी कैसे हमने समर्पण किया, ब्रज से रास में जाते हुए
किस तरह से तामसी सखी जिन्होंने तुरंत बांसुरी की धुन सुनते ही अपना शरीर त्याग दिया और योग माया में पहुंची, राजसी सखियों ने भी किस तरह से आधा अधूरा उल्टा पुल्टा श्रृंगार करने के बाद में अपने तन को छोड़ा, सतोगुणी सखियों ने, सातसी सखियों ने भी किस तरह से कुछ समय के लिए लौकिक मर्यादा का ध्यान रखा और उसके बाद वो भी शरीर छोड़ करके पहुंच करके योग माया में मिली। उस समर्पण को हम देखें, लेकिन वो समर्पण तब आ पाया था जब उससे पहले ब्रज में प्रेम की कसौटी पर वो खरी उतरी और उसके बाद 52 दिन की जुदागी अथवा 52 दिन का विरह देखना पड़ा। वो जुदाई थी, पहले प्रेम था, प्रेम के बाद जुदागी थी, तभी तो उन्होंने इतना सब समर्पण किया। लेकिन आज ज्ञान नहीं है, आज ज्ञान की कमी नहीं है, पहचान की कमी नहीं है। आज सुंदर साथ से अगर बात करें कभी किसी विषय में, मान लीजिए अभी अगर मैं चर्चा करते करते एक या आधी चौपाई भी अगर गलत बोल दूं या उल्टा बोल दूं तो सुंदर साथ को बुरा लगेगा कि इन्होंने उल्टी चौपाई क्यों बोल दी। क्यों? क्योंकि उन्हें चौपाई का पता है। प्रत्येक सुंदर साथ के घर में वाणी उपलब्ध है। ब्रजवधुओं को ज्ञान देने कोई नहीं गया था, उनके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं था, ब्रह्मवाणी का ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्रेम के संबंध को निभाया। आज हम कहते हैं कि हम ही वो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं जिन्होंने गोपियों के तन में बैठ करके लीला की थी, तो वो प्रेम कहाँ गया? जब हम कहते हैं कि प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रजरास, तो ब्रज में उतना प्रेम था, रास में उतना प्रेम था, जागनी ब्रह्मांड में वो प्रेम कहाँ चला गया? जबकि आज तो संबंध की पहचान भी है। जब इस संसार की जीव उनको ये पता भी नहीं है, वो कहने के लिए कह देते हैं, संसार के जो प्रेमी होते हैं कहते हैं जन्मों तक हमारा साथ होगा, संसार के पति पत्नी 7 जन्मों तक साथ निभाने की बात करते हैं, हालांकि ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि अगला जन्म भी दोनों का साथ में ही हो, ऐसा उनके हाथ में नहीं है, वो तो उनके कर्मों के हाथ में होता है कि कैसा कर्म करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगला जन्म अथवा अगले कुछ जन्म वो साथ में बिता पाएं, फिर भी उनके अंदर इतना प्रेम होता है कि एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं। आप संसारी प्रेमियों को देखिए, हम शशि पुनु हीरराजा का उदाहरण देखते हैं, ये तो बहुत ही ऊंचे, बहुत ही पहुंचे हुए प्रेमी हुए हैं, लेकिन संसार में आज वर्तमान में अपने सामने देखिए, ऑनर किलिंग की जब बात आती है वो होता क्या है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि अगर एक लड़का और एक लड़की आपस में प्रेम करते हैं, सांसारिक उदाहरण, आपस में प्रेम करते हैं, लेकिन वह प्रेम संबंध अगर उनके घर वालों को मंजूर नहीं होता किसी वजह से, और कारण क्या होता है आप सब जानते हैं, एक कारण होता है वर्तमान में, एक तो जातिवाद का कारण है कि अगर लड़की ऊंची जाति की मानी जाती है, जिनको संसार में ऊंची जाति का कहा जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय है कुछ भी है, और अगर लड़का छोटी जाति का है तब भी घर वाले राजी नहीं होते, लड़की के घर वाले, अगर लड़का बड़े परिवार का है, लड़का ऊंचे कुल का है, और लड़की अगर छोटी जाति के तब भी परिवार वाले राजी नहीं होते, ये हो गया पहला कंडीशन जाति का। उसके बाद अमीर और गरीब का भेदभाव होता है, उसके बाद उनके परिवार वालों की पहचान समाज में कैसे है, इज्जत क्या है समाज के बीच में, इस बात से दोनों परिवार वालों को परेशानी हो सकती है। तो इन कुछ परेशानियों के कारण जब घर वाले राजी नहीं होते तो संसार के प्रेमी प्रेमिका क्या कदम उठाते हैं कि अगर जिएंगे तो साथ में जिएंगे और मरेंगे तो साथ में मरेंगे, और फिर अपनी जान दे देते हैं। कई प्रेमी युगल, कई प्रेमी जोड़े आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, समाचार चैनलों में देखते हैं कि कोई जहर खा करके मर जाते हैं, कोई फांसी के फंदे लगा करके मर जाते हैं, कोई ट्रेन के आगे कूद जाते हैं, कोई नदी में कूद करके मर जाते हैं, और वो ये लिख करके जाते हैं कि हमारे परिवार वालों को हमारा संबंध मंजूर नहीं था इसलिए हम साथ में मरने जा रहे हैं, अगर हम साथ में जी नहीं सकते तो साथ में मर सकते हैं। ये संसार के उन प्रेमियों का उदाहरण है जिनका संबंध
न इससे पहले किसी जन्म में रहा होगा, न अगले जन्म में रहने वाला है, एक ही जन्म तक साथ देने वाला है। लेकिन ब्रह्म सृष्टियों को तो सुहागिन कहा जाता है। सुहागिन का मतलब जिसका सुहाग अखंड हो। हमारा संबंध जिस अक्षरातीत के साथ है वो संबंध अनादि है, वो संबंध अनंत काल तक रहने वाला है। हमारा प्रेम जिनके साथ है वो प्रेम अनादि और अनंत है, लेकिन फिर भी हम उन पर अपना समर्पण नहीं कर पा रहे हैं। वाणी कहने को तो कहती है कि कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, लेकिन हमारे अंग में वो उल्लास कहाँ है। आज हमें अवसर मिला है, इतना सुनहला अवसर मिला है, और ये अवसर आगे भी जारी रहने वाला है। आज देश की स्थिति देखें, वैश्विक स्थिति देखें, तो ऐसा नहीं लगता कि 21 दिन के बाद परिस्थिति को सामान्य होने में कम समय लगेगा, ऐसा नहीं है। समय काफ़ी लग सकता है, और उतना समय हमारे पास है। अगर हम चाहें तो हम अपनी आध्यात्मिक अवस्था को इतने दिनों में बहुत उन्नत कर सकते हैं, और अपने आप को इस हिसाब से ढाल सकते हैं कि हमारे अंदर वो ब्रज वाली परिस्थिति आ जाए, हमारी आत्म जागृति हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि 21 दिन में आपकी जागृति हो ही जाएगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन जिनकी हो जाती है वो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं भी होती है तब भी हम इन दिनों में अपनी आदतों को ऐसा कर सकते हैं कि हम उसकी तरफ कुछ कदम बढ़ा लें। लक्ष्य को भले ही इन कुछ दिनों में प्राप्त ना करें, लेकिन लक्ष्य की तरफ हम कुछ तो बढ़ें। लेकिन हम तो वहीं के वहीं हैं, जहाँ आज से सबकी अलग अलग है। कोई 5 साल पहले, 10 साल पहले जो राज्य से जुड़ा है, तारतम्य लिया है, वाणी की पहचान हुई है, राज्य की परम धाम की पहचान हुई है ज्ञान दृष्टि से, तो 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले हम जहाँ थे आज भी वहीं हैं। 15-20 साल पहले भी हमें सिर्फ इतना पता था ज्ञान दृष्टि से कि परम धाम है, हम परम धाम से आए हैं, परम धाम जाना है, इतना हमने सुना था, इतना हमें पता था। और आज 5-10 साल, 15-20 साल के बाद भी हमें उतना ही पता है। अपने दिल पर हाथ रख कर के सोचिए, विचार कीजिए कि क्या हमारे अंदर उस अवस्था जब हमने तारतम लिया था उस समय की अवस्था से वर्तमान अवस्था में कोई फर्क आ पाया है आंतरिक दृष्टि से। हो सकता है कि हमने 2-4 चौपाइयाँ ज़्यादा याद कर ली हो। हो सकता है कि हमने किसी जगह पर, किसी मंदिर में जा कर के, किसी आश्रम में जा कर के शारीरिक सेवा थोड़ी बहुत कर ली हो। वो सेवा भी अगर भाव से की हो तो उसका फल है। लेकिन अगर हम सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन सेवा भी अलग अलग प्रकार से की जाती है। जैसे मेरे साथ 10-15 लोग हैं, 10-15 मित्रों की मंडली है, किसी मंदिर में, आश्रम में जाते हैं, तो टीम वर्क होता है ना, कि 2-4 लोग कर रहे हैं, उनको देख करके कहते हैं कि चलो हमारी टीम है, हमारी टीम ये काम कर लेगी। तो उस तरह से अगर हम कर रहे हैं बिना पहचाने के, बिना प्रेम के, बिना भाव के, तो वो सेवा नहीं, वो सिर्फ काम है। उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन उसका फल आत्मिक नहीं है। हर चीज़ का अपना एक फल होता है निश्चित, उसका फल तो मिलेगा, लेकिन बिना पहचान के, बिना प्रेम के उसका कोई लाभ नहीं है। तो हमें आज से 15-20 साल पहले अथवा 5-10 साल पहले और अब में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ बौद्धिक दृष्टि से थोड़ा सा फर्क हो सकता है कि ज्ञान दृष्टि से कुछ बातें हम सागर सिंगार की कर लें, कुछ बातें हम सिंधी की चौपाइयों की कर लें, कुछ बातें हम मार्फत की भी कर लें, लेकिन आंतरिक दृष्टि से हम में कितना परिवर्तन आया है। क्या हमारा जीव विकारों से निर्मल होने की दिशा में एक कदम भी आगे बढ़ पाया है? क्या हमारे दिल में राज्य के प्रति प्रेम का अंकुर फूटा है? क्या हम राज्य के बिना नहीं रह सकते ऐसा सोच पाते हैं? अथवा क्या ब्रज की गोपियों में जैसा प्रेम था, जैसा त्याग था, वैसा करने के प्रति हम प्रयासरत हैं? अगर ऐसा हम कर रहे हैं, अगर हम प्रतिदिन, सिर्फ इन 21 दिनों की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो अवसर मिला है इसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अवसर मिले अथवा ना मिले राज्य के लिए अवसर बना लेते हैं, निकाल लेते हैं राज्य के लिए? अथवा वैसे राज्य के लिए तो हम क्या कहें, कहने के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन वो तो अपने लिए ही है। राज्य को आपके समय की भी आवश्यकता नहीं है,
सकता, जी को आवश्यकता तो किसी चीज़ की नहीं ना, वो तो पूर्ण है परम धाम में, जागृत अवस्था में, जरूरत तो हमें है। तो क्या हम अपनी आत्मा के लिए, अपनी आत्म जागृति के लिए कुछ समय निकालते हैं प्रतिदिन, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ब्रज वाली स्थिति थोड़ी आ पाई है, थोड़ी सी, पूर्ण रूप से नहीं। पूर्ण रूप से ब्रज वाली स्थिति आ जाए तो प्रत्येक सुंदर साथ की जागनी हो जाए, क्योंकि ब्रज वाली स्थिति जैसी आई, वाणी साफ कहती है जो देखाई ब्रज रास में यही वतन चाल ब्रह्म श्रेष्ठ। इसका मतलब यह है कि जैसे घर का सारा काम करते हुए ब्रज की गोपियों का अर्थात हम ब्रह्म सृष्टियों का सेंटर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कृष्ण जी थे, आकर्षण का केंद्र, उनके नाम का अर्थ भी यही होता है, आकर्षणशील होता है, तो हमारे चित्त के आकर्षण का केंद्र कृष्ण जी थे, उसी तरह से इस जागनी के ब्रह्मांड में हमारे चित्त की वृत्तियों का जो केंद्र है अगर राज्जी हैं, तो हम कह सकते हैं कि ब्रजवाली स्थिति हमारी आई है। और ये स्थिति जैसी ही आई, फिर तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि राज्जी इस खेल को बंद कीजिए, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज कुछ सुंदर साथ ऐसे हैं जो इस महामारी को देखते हुए, इस दुखद घटना को देखते हुए प्रार्थना करते हैं कि राज्जी इस खेल को बंद कीजिए, इस खेल को समाप्त कीजिए। बहुत सारे सुंदर साथ ऐसे हैं जो विरह के प्रकरणों का पाठ कर रहे हैं। विरह के प्रकरणों का पाठ करना अच्छी बात है, लेकिन विरह करना और विरह के प्रकरण पढ़ने में बहुत फर्क होता है। विरह कहने की वस्तु नहीं होती है, पाठ करने का अपना लाभ है। पाठ करने का अपना लाभ ये है, वो भी तब, परिस्थिति को समझें इस बात को ध्यान से, कि किसी भी चीज़ को पाठ करने का लाभ तब है अगर हम उसके अर्थ को समझते हैं और पढ़ते हुए वो विचार हमारे अंदर आती है और उस विचार से हम कुछ हद तक सकारात्मक बनते हैं। जैसे विरह के 6 प्रकरणों में उस अवस्था का वर्णन किया है, अलग अलग प्रकरणों में, कि जैसे परम धाम में हम कैसे थे, इस संसार में आने के बाद में संसार किस तरह से दुखमय है, संसार किस तरह से दुखद है, इस चीज़ को अगर हम याद कर लेते हैं, इस चीज़ को अगर हम दिल में बसा लेते हैं, तो हम अपनी आत्म जागृति की तरफ आसानी से बढ़ सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हमें इस संसार की दुखद माया के दुख का आभास होगा, तो जैसे ही दुख का आभास होगा, हम कहते हैं दुख थे विरह उपजे, विरह प्रेम। इसके विरह का तो हम प्रकरण पढ़ रहे हैं, अभी उत्पन्न तो नहीं हुआ है। जब हम हमारे अंदर ये अवस्था आती है कि दुख थे विरह उपजे, विरह प्रेम इश्क, तो अगली अवस्था अपने आप बन जाती है कि इश्क प्रेम जब आइया तो नहचे मिली हक। तो विरह के प्रकरणों का सुंदर साथ पाठ कर तो रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ पाठ न करके हम विरह की अपनी अवस्था बना लें, और विरह के प्रकरणों का भी पाठ हम कब कर रहे हैं, जब इस संसार में ऐसी आपदा आई है, अगर थोड़ी देर के लिए कि आज या कल के अंदर ये अवस्था समाप्त हो जाती है, तो सच सच बताएं कि जितनी भक्ति आज कर रहे हैं या जितनी भक्ति का दिखावा आज कर रहे हैं, क्या उनमें से 10% भी लोग इस चीज़ को निरंतर कर पाएंगे? आज प्रत्येक सुंदर साथ, प्रत्येक तो नहीं कह सकता, फिर भी आज अधिकांश सुंदर साथ वाणी पढ़ रहा है, आज अधिकांश सुंदर साथ चर्चा सुन रहा है, आज अधिकांश सुंदर साथ चित्तवनी कर रहा है, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कारण ये कि संसार का दुख मिल रहा है, इस वजह से। जैसे किसी साधु ने कहा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोय। जब ये सामान्य स्थिति थी, अगर उस समय में प्रत्येक मनुष्य अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए होते, तो आज ये दुखद अवस्था आती ही नहीं। हम तो केवल विरह के प्रकरणों का पाठ करते हैं, लेकिन उनकी चौपाइयों पर ध्यान नहीं देते, न उन प्रसंगों पर ध्यान देते हैं कि किस प्रसंग में अवतरित हुआ है, इनका लाभ क्या है। तो ये जो अवसर मिला है, इस अवसर को सिर्फ पाठ करने में ना लगाएं। पाठ करें, उसका अपना महत्व है, पाठ करते हुए उन चौपाइयों के अर्थों पर विचार करें, लेकिन जो अर्थ उन चौपाइयों के अंदर बताया गया है, उन अर्थों पर हम विचार करके उसको अमल में भी लाने का प्रयास करें।
जब विरह के प्रकरण की चौपाई कहते हैं कि स्यारे एवा कर्म करिया हता कामना, हमने मायावी कार्य के मतलब ऐसा कौन सा काम कर दिया कि हमें ऐसा दुख देखना पड़ा। बिल्कुल वास्तविक बात है कि हमने माया के कार्य करे, माया के ही कार्य किए, इसलिए हमें दुख देखना पड़ा। आज अगर वर्तमान में कोई व्यक्ति परमहंस अवस्था में पहुंचा है, किसी की आत्म जागृति हो चुकी है, तो वो इन सुख दुख से परे है। जैसे इंद्रावती जी कहती है ना कि मैं इन सुख दुख से ना डरूं। जागृत ब्रह्म सृष्टि तो इस संसार के सुख से भी ऊपर और संसार के दुख से भी ऊपर है, लेकिन हमारी स्थिति कैसी है कि सुख की अवस्था में तो हम अपनी माया में मस्त हो जाते हैं, और जैसे ही दुख आ जाता है, दुख आते ही हम राज जी को याद करने लगते हैं। चलिए दुख आकर के भी याद कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसको निरंतरता देना ये महत्वपूर्ण है। अगर हम सिर्फ 20-22 दिन के लिए ही ये चीज़ करते हैं तो आगे ये तो एक छोटी आपदा है, ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। और अगर अभी हम अगर नहीं संभलते, मैं सिर्फ ये आप सब सुंदर साथ को डराने के लिए ये नहीं कह रहा हूँ, ये वास्तविकता है। क्योंकि वाणी में तो ये कहा है साफ तौर पर कि ए दिन किने न किया मुकर्रर, ताए पहचानो जिन दई खबर। कुरान के हिसाब से अगर देखें तो उसमें केवल 14वीं सदी का ही वर्णन है, उसके बाद पहले वर्ष से लेकर के 100 साल तक 15वीं सदी में कभी भी ब्रह्मांड समाप्त हो सकता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें, चाहे वर्तमान की परिस्थितियों को देखें, तृतीय विश्व युद्ध होने की संभावना है, क्योंकि आज जो एक बायोलॉजिकल हथियार की वजह से पूरे विश्व में जो महामारी फैली है, इसकी वजह से अगर विश्व युद्ध छिड़ भी जाता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक देश अपने आप में सामर्थ्यशाली है आज। तो दुखद दिन या दुखद समय आगे भी आने वाला है, लेकिन अगर हम स्वयं की आत्म जागृति की तरफ कदम बढ़ाते हैं, प्रतिदिन युगल स्वरूप को अपने हृदय में बसाते हैं चित्वनी के माध्यम से, तो हम इन दुख से, इस दुखद परिस्थिति से हम ऊपर उठ जाएंगे। और जितने ही दुख के अवसर आए, जितने ही घटनाएं आए इस संसार में, हम इससे अछूते रहेंगे। इस दुखद संसार में रह करके भी, जैसे वाणी कहती है मेहर सागर का हम पाठ तो करते हैं कि राजी हम पर मेहर कीजिए, इस संसारी दुख को समाप्त कीजिए, लेकिन मेहर सागर की चौपाई तो साफ तौर पर कहती है कि इन दुख की जिमी में बैठ के मेहर देखे दुख दूर। हम कहते हैं सुख में तो सुख दायम पर स्वाद न आवत ऊपर, दुख आए सुख आवत सो मेहर खोलत नजर। जब हम इतनी अच्छी अच्छी चौपाई कहते हैं, वाणी की प्रत्येक चौपाई अच्छी है, लेकिन सोचिए कि जिस मेहर सागर का हम दुख समाप्त करने के लिए पाठ कर रहे हैं, वही मेहर सागर की चौपाई हमें कहती है कि वास्तविक स्वाद तो दुख की अवस्था में आता है। वाणी कहती है दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो में छोड़ो क्यों कर जाए, और इसका हम गायन करते हैं, सिर्फ गायन करते हैं। हम कहते हैं दुख से पियू जी मिल से सुखे न मिलिया कोई, और जब हमें ऐसा अवसर मिला है पियू को प्राप्त करने का, उनको रिझाने का, तो जैसे ही दुख आया हम उससे दूर हो जाते हैं। हम राज्जी से प्रार्थना करते हैं कि राज्जी इस दुख को समाप्त कीजिए। राज्जी दुख को समाप्त क्यों करेंगे, क्योंकि दुख राज्जी ने दिया ही नहीं है। जब प्रकाश की वाणी की चर्चा हो रही, प्रकाश की वाणी साफ तौर पर कहती है कि धनी न देवे दुख तिल जेता, जो देखिए वचन विचारी जी। दुख आपन को तो होते है जो माया करत है भारी जी। आज हमें दुख क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने माया को बड़ा बना करके रखा, माया को ज्यादा महत्व दिया है। तो इसीलिए जो अवसर मिला है, इंद्रावती जी जिस अवसर के बारे में कह रही हैं, दोनों अवसर हमें प्राप्त हुए हैं। एक तो जागनी के ब्रह्मांड में उत्तम मनुष्यतन मिला है, ब्रह्म सृष्टि हमारे अंदर विराजमान है, ये हमें विश्वास रखना इस बात का। युगल स्वरूप की राज्य की पहचान हुई है, राज्य के साथ हमारे संबंध की पहचान हुई है, ऐसा अवसर मिला है पहला। दूसरा, जागनी के ब्रह्मांड में छठे दिन की लीला में जब ये अंतिम समय चल रहा है, ऐसे अंतिम समय में हमें इतने दिनों तक घर में बैठ करके राज्य को रिझाने का समय मिला है। तो सभी ब्रह्म सृष्टियों से, सभी सुंदर साथ से ये आग्रह है कि इस अवसर को हाथ से जाने ना दें, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिल पाता है। ये अवसर तो राज्य की बहुत कृपा होती है जिन पर उन्हें ही आती है।
वाणी कहती है ना, ज्यों साहेब संकुल हो वहीं तो दुख आवे तिन। और जब राज्जी के प्रसन्न होने पर ऐसा दुख आ रहा है तो इन्हें दुख से घबराने की आवश्यकता क्यों है? इस दुनिया में जानबूझ करके तो कोई दुख लेता नहीं है। अगर हमें ये अवसर मिल रहा है तो हमें इस अवसर को भुनाना चाहिए। हम सब सुंदर साथ अपने अपने घरों में बैठ करके राज्जी को याद करें। हाँ, अगर हम इस संसार के जीवों के अंदर से, प्राणियों के अंदर से इस दुख को मिटाना चाहते हैं तो भी ध्यान में, केवल पाठ पूजा तक हम सीमित ना रहें, ध्यान करें। ध्यान में ही राज्जी से प्रार्थना करें कि संसार के दुख को समाप्त कीजिए। लेकिन इसमें हमारे अंदर वो लालच नहीं होनी चाहिए कि माया का दुख समाप्त हो जाएगा, हम फिर से पुराने ढर्रे में लौट जाएंगे, ऐसा नहीं। पहले के काम भी कीजिए, आप जो भी जॉब करते थे, जो भी पढ़ाई करते थे, सब कीजिए परिस्थिति के समाप्त होने के बाद। लेकिन तब तक अपनी आदत को ऐसे बनाइए कि अवसर चल करके आए या ना आए, हम अवसर बनाए, तभी हमारी आत्म जागृति हो सकती है, तभी हम युगल स्वरूप को अपने हृदय में प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम।